टाइगर 3 के बाद सलमान खान फिल्मों से थोड़ा ब्रेक लेने वाले हैं, ऐसी खबरें बीते कुछ दिनों से मीडिया में चल रही हैं। ब्रेक लेने के बाद वो क्या करेंगे, अब इसको लेकर बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि टाइगर 3 की रिलीज के बाद सलमान करण जौहर, सूरज बड़जात्या और साजिद नाडियाडवाला की फिल्मों की कहानियां सुनेंगे, अपने आगे वाले प्रोजेक्ट्स इसी बेसिस पर चुनाव करेंगे। ऐसा वो टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग शुरू होने से पहले करेंगे। उनकी आगामी फिल्मों में नो एंट्री के सीक्वल का नाम भी आता रहा है। फिल्म को लेकर कोई न्यूज आती है और तुरंत बाद बताया जाता है कि कोई रुकावट आ गई है, फिल्म के लिए मुश्किलें बढ़ ही रही हैं। पिंक विला में छपी रिपोर्ट के मुताबिक करण जौहर सलमान को लेकर एक एक्शन फिल्म बनाना चाहते हैं, उसे डायरेक्ट करेंगे विष्णु वर्धन, जिन्होंने शेरशाह भी बनाई थी। भारतीय आर्मी की पृष्ठभूमि पर इस फिल्म को बनाया जाएगा। रिपोर्ट में लिखा गया, आईएफए के लिए अबू धाबी जाने से पहले सलमान ने मेकर्स के साथ मीटिंग की थी। अगली मीटिंग जून के बीच में हो सकती है। सलमान फिल्म का आइडिया सुनकर बहुत एक्साइटेड थे। वो ये फिल्म करेंगे या नहीं, इसका जवाब जून के एंड तक ही मिल पाएगा। अगर करण जौहर की फिल्म पर बात नहीं बन पाती तो सलमान सूरज बड़जात्या और साजिद नाडियाडवाला की कहानियां सुनेंगे। साजिद नाडियाडवाला किक 2 की कहानी सुनाने वाले हैं। दोनों फिल्म इंडस्ट्री में पुराने दोस्त हैं। साजिद ने सलमान को लेकर जो पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी वो थी 1996 में आई जीत। उसके बाद दोनों ने जुड़वा और किक समेत कई फिल्मों पर काम किया। किक 2 की कहानी पर भी काम चल रहा है, पूरी होते ही सलमान को नरेट की जाएगी। तीसरा नंबर आता है सूरज बड़जात्या का, सलमान को प्रेम बनाने वाले डायरेक्टर। बताया जा रहा है कि सूरज वाली फिल्म की कहानी एक शादीशुदा जोड़े पर होगी। सलमान को उम्मीद है कि इस साल अगस्त तक सूरज वाली फिल्म की कहानी तैयार हो जाएगी। अगर बात जम गई तो फिल्म को दिवाली 2024 में रिलीज किए जाने का प्लान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान के पास मेकर्स के लिए अभी डेट्स नहीं है। करण, सूरज और साजिद की फिल्मों में से जो भी फिल्म फाइनल होती है वो उस पर काम शुरू कर देंगे। रिपोर्ट में कोट किए गए सोर्स ने बताया कि सलमान की शूटिंग डायरी फरवरी मार्च 2024 तक खाली है, क्योंकि उसके बाद वो सबसे बड़ी फिल्म टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग शुरू कर देंगे। अगर तीनों ही फिल्में खारिज हो जाती हैं तो वो टाइगर 3 के बाद सीधा टाइगर वर्सेस पठान पर ही काम करेंगे। हाल ही में आईएफए में अनीस बज़मी से नो एंट्री के सीक्वल पर सवाल किया गया कि वो फिल्म कब बनेगी। इस पर अनीस ने जवाब दिया कि जैसे ही सलमान तैयार होंगे तुरंत फिल्म पर काम शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सलमान खुद भी नो एंट्री 2 करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन फिल्म को लेकर कुछ मसला पड़ गया। सलमान की टीम उसे सुलझाने में भी लगी हुई है। जब तक ये मामला नहीं निपटता तब तक फिल्म का भविष्य अधर में ही है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं करिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।